एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुकते हैं आज की पहली बड़ी खबर खबर सदर इलाके से, जहां दो दिवसीय जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव मेला का कृषि भवन में किया गया भव्य शुभारम्भ। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, रावत, सदर विधायक रहे मौजूद। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत दो दिवसीय जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव मेला का भव्य तरीके से कृषि भवन परिसर में शुभारंभ किया गया। मिलेट्स महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान महोत्सव में पहुंचे अतिथियों का उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव द्वारा स्वागत करते हुए मिलेट्स के उत्पाद सप्रेम भेंट किए गए। मिलेट्स महोत्सव मेले में मिलेट्स पर आधारित स्वादिष्ट व्यंजनों और विभिन्न विभागों की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन विधायक विश्वनाथ जीतलाल पटेल के अलावा सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य, जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विजय मिश्रा और अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी और किसान भाई मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनपद के कोने कोने से लगभग 2000 की संख्या में किसानों ने सहभागिता निभाते हुए मिलेट्स के उत्पादों का बृहद अवलोकन किया। मिलेट्स महोत्सव में स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षक का केंद्र बनी रही और अतिथियों द्वारा मिलेट्स के व्यंजनों को चखकर खूब प्रशंसा भी की गई। मिलेट्स महोत्सव में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग द्वारा अतिथियों के माध्यम से बच्चों का अन्न प्राशन और महिलाओं की गोद भराई भी कराई गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को जन्मतिथि की हेरफेर करने के मामले में किया बर्खास्त। कई महीनों से चल रही थी मामले की जांच, पड़ोसी द्वारा किया गया था मामले की शिकायत। बता दें बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को जन्मतिथि की हेरफेर और दूसरी मार्कशीट लगाने के मामले में बर्खास्त कर दिया। इसकी महीनों जाँच चली और कई तरह से साथ जुटाए जाते रहे। इसमें तीन बार शिक्षक से स्पष्टीकरण और उनके कागजात मांगे गए थे। शिक्षक की शिकायत उनके पड़ोसी ने की थी। पड़ोसी ने बताया था शिक्षक के छोटे भाई रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि शिक्षक का अभी भी काफ़ी दिन नौकरी बची हुई है। बता दें बागराय थाना क्षेत्र के नगरहन का पूर्व निवासी नंद किशोर पुत्र राम किशोर की 1975 में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल की परीक्षा में जन्मतिथि 28 अक्टूबर 1958 दर्ज की गई है। 1989 में पुनः हाईस्कूल परीक्षा में शामिल होकर जन्मतिथि 28 अक्टूबर 1964 दर्ज करवा लिया। इसी जन्मतिथि को दिखाकर 31 मार्च 1994 को वह प्राथमिक शिक्षक बन गए। इन दिनों वह प्राथमिक विद्यालय तरसोई में प्रधानाध्यापक थे। इस फर्जीवाड़े की शिकायत गाँव के ही चंद्रिका प्रसाद मिश्र ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा विभाग से किया। उच्च अधिकारियों से 28 दिसंबर 2022 को की गई थी। इसके बाद कई बार विभागीय जांच की गई और सामने आने वाले साक्ष्यों को संचित किया जाता रहा। 13 अक्टूबर 2023 को बीएसए के निर्देश पर एबीएसए सदर संतोष श्रीवास्तव और एबीएसए मानधाता शिव बहादुर मौर्य ने अपनी जांच रिपोर्ट बीएसए को सौंपी। जांच रिपोर्ट में तथ्यों को छुपाते हुए दोबारा हाईस्कूल की परीक्षा देते हुए जन्मतिथि बदलकर नौकरी हासिल करने की बात स्पष्ट हो गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद बीएसए ने इसकी शासन को रिपोर्ट भेजी और सचिव से इस पर विधिक राय भी मांगी। इस पर विभागीय अधिकारियों ने इसे विधि के अनुरूप नहीं माना। इसके चलते जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने प्रधानाध्यापक नंद किशोर की सेवा समाप्त कर दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके खबर की, जहां हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित चल रहे तीन और अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। घटनास्थल से दो अदद खोखा फीवर किया गया बरामद। बता दें कि इसकी जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि कुसमी गांव में एक घर में घुसकर दबंगों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें से 3 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। फरार चल रहे तीनों आरोपी को पुलिस ने कुसमी फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में मोहम्मद सादान के अलावा मोहम्मद माज और नौशाद उर्फ मेहदी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 15 की शाम को आपस में मारपीट हुई, जिसमें दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग में नामित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।